काफी समय पहले की बात है, प्रतापगढ़ नाम के राज्य में एक राजा था और वहाँ का राजा बहुत अच्छा था। मगर राजा को एक दुख था कि उसकी कोई संतान नहीं थी और वो चाहता था कि अब वो राज्य के अंदर किसी योग्य बच्चे को गोद ले ताकि वो उनका उत्तराधिकारी बन सके और आगे की बागडोर को संभाल सके। और इसी को देखते हुए राजा ने राज्य में घोषणा करवा दी कि राज्य के सभी बच्चे राजमहल में एकत्रित हो जाएं। और ऐसा ही हुआ। फिर राजा ने सभी बच्चों को पौधे लगाने के लिए अलग अलग तरह के बीज दिए और कहा कि अब हम 6 महीने बाद मिलेंगे और देखेंगे कि किसका पौधा सबसे अच्छा होगा। कुछ महीने बीत गए और कुछ महीने बीत जाने के बाद भी एक बच्चा ऐसा था जिसके गमले में वो बीज अभी तक नहीं फूटा था, लेकिन वो रोज़ उसकी देखभाल करता और रोज़ पानी देता था। देखते ही देखते 3 महीने बीत गए, बच्चा परेशान हो गया। तभी उसकी माँ ने कहा, बेटा धैर्य रखो, कुछ बीजों को फलने में वक्त लगता है। ऐसे ही 6 महीने बीत गए, राजा के पास जाने का समय आ चुका था, लेकिन वो बच्चा डरा हुआ था कि सभी बच्चों के गमलों में तो पौधे होंगे और उसका गमला खाली होगा। लेकिन वो बच्चा ईमानदार था और अब सारे बच्चे राजमहल में आ चुके थे। कुछ बच्चे जोश से भरे हुए थे क्योंकि उनके अंदर राज्य का उत्तराधिकारी बनने की प्रबल लालसा थी। अब राजा ने सभी बच्चों को अपने गमले दिखाने का आदेश दिया। सभी अपने गमले दिखाने लगे, मगर एक बच्चा सहमा हुआ था क्योंकि उसका गमला खाली था। तभी राजा की नज़र उस गमले पर गई। राजा ने पूछा, तुम्हारा गमला तो खाली है। बच्चे ने कहा, जैसे आपने कहा था, मैंने 6 महीने देखभाल की मगर फिर भी ये पौधा नहीं हुआ। राजा उसकी ईमानदारी से बहुत खुश था कि उसका गमला खाली है, लेकिन वो फिर भी हिम्मत करके यहाँ आ तो गया। सभी बच्चों के गमले देखने के बाद उस बच्चे को सभी के सामने बुलाया गया। बच्चा सहम गया। राजा ने वो गमला सभी को दिखाया। सभी बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। राजा ने कहा, इतना खुश मत होइए, आप सभी को जो बीज दिए गए थे वो सब बंजर थे। आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लेते, आपको उनसे कुछ नहीं मिलता, लेकिन असली बीज यही था। और फिर उस बच्चे को राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम खुद के साथ ईमानदार हैं तो जीवन के किसी न किसी मोड़ पर सफल तो हो ही जाएंगे। हाँ, सफल होने में थोड़ा वक्त जरूर लग सकता है, मगर ये सफलता ईमानदारी से जीवन जीने की ज़्यादा खुशी देती है। उम्मीद करते हैं आपको स्टोरी पसंद आई होगी और स्टोरी से कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा ताकि हम ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़, मोटिवेशनल स्टोरी और कुछ फैक्ट्स आप तक हमेशा पहुँचाते रहें।